everyone. Today's topic is Global Positioning System. Global Positioning System, that is abbreviated as GPS, is used for calculating distance. Okay, this can be done by calculating the distance from the satellite. Global Positioning System, originally called Navistar GPS. It is a satellite-based radio navigation system owned by the United States government and operated by the United States Space Force. This system, GPS system, is owned by United States government and it is operated by United States Space Force. Okay, it is one of the global navigation satellite system. It works globally that provide geolocation and time information to a GPS receiver. ये आपको जियोग्राफिकली आप कहाँ प्रेजेंट हो ये बताता है, दैट इज़ कॉल्ड जियो लोकेशन एंड टाइम इन्फॉर्मेशन, मतलब किस टाइम पे आप कहाँ पे प्रेजेंट थे ये भी बता सकता है. टू अ GPS रिसीवर एनी वेयर ऑन और नियर द अर्थ वेयर देयर इज़ एन अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट टू फोर और मोर GPS सैटेलाइट. इस डायग्राम में आप देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि ये जो आदमी है GPS रिसीवर लेकर के खड़ा हुआ है बीच रास्ते पे, और इसके पास अगर चार सैटेलाइट से सिग्नल मिल जाता है तो ये अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर लेगा कि मैं कहाँ हूँ, और इसको जहाँ भी जाना होगा ये वहाँ की लोकेशन फाइंड आउट कर सकता है. तो हमें क्या होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा, बेसिकली अगर तीन सैटेलाइट से आपको सिग्नल मिल जाता है तो आपकी लोकेशन आपको पता चल जाती है, और अगर आपको फोर से मिल जाता है तब तो दैट इज़ सो गुड. ऑब्स्टेकल सच एज माउंटेन एंड बिल्डिंग ब्लॉक रिलेटिवली वीक GPS सिग्नल. कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी माउंटेन रीजन में फंसे हुए हो या फिर किसी वैली रीजन में ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सैटेलाइट अपना सिग्नल आपके रिसीवर तक सेंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि GPS सिग्नल यहाँ पे बहुत वीक है, वही रीज़न होता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन पर्पजेस. ये जो सिस्टम है आपका GPS, ये बोथ मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन पर्पजेस के लिए यूज़ हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये लॉन्च हुआ था तब ये केवल मिलिट्री पर्पज़ के लिए लॉन्च हुआ था. फिर क्या है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कॉन्स्टेलेशन साइज़ की बात हो रही है. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन आपका, कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो कॉन्स्टेलेशन साइज़ इसलिए बोला जा रहा है कि देखा जा रहा है कि GPS सैटेलाइट कैसे कैसे अरेंज हो रही है वहाँ पर जा कर के. टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो है 33 सैटेलाइट, लेकिन जो ऑर्बिट में है उसके नंबर्स हैं 31. टोटल लॉन्चेस अभी तक 72 लॉन्चेस हो चुके हैं. फर्स्ट लॉन्च जो हुआ है वो आपका 1978 फरवरी में हुआ है. ओके, बाय दिसंबर 1993 GPS अचीव्ड इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी IOC, इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी IOC विद अ फुल कॉन्स्टेलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स अवेलेबल एंड प्रोवाइडिंग पोजिशनिंग सर्विसेज. क्या होता है कि GPS, अगर आपको मान लीजिए किसी भी कंट्री को GPS अपना बनाना है GPS, तो उसके लिए क्या होगा कि 24 सैटेलाइट्स तो मैंडेटरी है. जब तक आपके ऑर्बिट, आपकी सैटेलाइट्स, 24 सैटेलाइट्स आपके ऑर्बिट पर पहुंच नहीं जाती तब तक आप अपना खुद का GPS सिग्नल नहीं बना सकते. जैसे मान लीजिए ये US ने बनाया हुआ है, तो इन्होंने अभी तक 72 लॉन्चेस किए जिसमें से इनकी टोटल सैटेलाइट्स कहाँ तक पहुँच गई, 31 सैटेलाइट्स ऑर्बिट पे पहुँच चुकी है. तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी 24 सैटेलाइट्स ऑर्बिट पे पहुँच चुकी है तब तो आप अपना एक कॉन्स्टेलेशन बना सकते हो. कॉन्स्टेलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स आपकी 24 पहुँच चुकी हैं, अब आप अपना एक नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट कर सकते हो. द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS इज़ अ नेविगेशन सिस्टम यूजिंग सैटेलाइट अ रिसीवर एंड एल्गोरिदम. GPS सिस्टम में तीन चीज़ होती है. सबसे पहली चीज़ क्या होगी? सैटेलाइट होगी. दूसरी चीज़ होगी हमारी रिसीवर, और तीसरी चीज़ एल्गोरिदम होगी. तो अभी तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं कि एक सैटेलाइट है, एक रिसीवर है. हमारे हाथ में रिसीवर है, हम रिसीवर से सिग्नल सेंड कर रहे हैं और सैटेलाइट तक पहुंच रहा है, फिर सैटेलाइट हमको वापस से सिग्नल सेंड कर रही है कि आपकी ये प्रिसाइज पोजीशन है. एल्गोरिदम क्या होता है कि अंदर का जो प्रोसेसिंग पार्ट है, जैसे हमको एग्जैक्टली डिस्टेंस पता चल जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सैटेलाइट हमको सीधे सीधे डिस्टेंस भेज रही है, वो हमको कुछ टाइम के फॉर्मेट में भेज रही है. और हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से डिस्टेंस पता कर ले रहे हैं. तो एल्गोरिदम का पार्ट भी अंदर ही इनबिल्ट होता है GPS रिसीवर में, जिससे कि हमको एग्जैक्टली कभी कभी डिस्टेंस दिख जाता है, कभी कभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के टर्म्स में डिस्टेंस पता चल जाता है. ओके, द GPS इज़ अ नेविगेशन सिस्टम यूजिंग सैटेलाइट रिसीवर एंड एल्गोरिदम टू सिंक्रोनाइज लोकेशन वेलोसिटी एंड टाइम डेटा फॉर एयर सी एंड लैंड ट्रेवल.
ये आपके तीनों मोड में यूज़ हो सकता है, एयर में भी, सी में भी और लैंड ट्रेवल में भी यूज हो सकता है. द सैटेलाइट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स इन 6 अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिटल प्लेन, ईच विद 4 सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट 13,000 माइल दैट इज 20,000 किलोमीटर अबव अर्थ एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 8700 माइल्स पर आर एंड दैट इज 14,000 किलोमीटर पर आर का अर्थ है. तो 6 ऑर्बिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑर्बिट्स आपकी बनी है. इस 6 ऑर्बिट्स में आपकी सैटेलाइट्स होनी चाहिए. हर एक ऑर्बिट पे कितना होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, हर ऑर्बिट पे 4 है. तो फिर 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 आपका 24 हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करके हर एक ऑर्बिट पे कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए. और इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट है जो कि अर्थ पर से इन ऑर्बिटल प्लेन पे जहाँ पे सैटेलाइट लोकेट करती है, इनकी हाइट है 13,000 माइल या फिर 20,000 किलोमीटर अबव अर्थ. ओके, एंड दीज आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ अबाउट, ये जो सैटेलाइट है ये कितनी स्पीड पे मूव कर रहे हैं, 8700 माइल पर आर या फिर 14,000 किलोमीटर पर आर. ये सैटेलाइट जो आपके ऑर्बिट्स में रोटेट कर रही हैं उनकी स्पीड है. और अर्थ से कितनी हाइट पे है, अर्थ से 20,000 किलोमीटर हाइट पे ये सैटेलाइट आपकी लॉन्च की गई है. इन 6 ऑर्बिटल प्लेन विथ ईच ऑर्बिट में कितनी है, ईच ऑर्बिट में आपकी 4 सैटेलाइट भेजी जाती है. व्हाइल वी ओनली नीड 3 सैटेलाइट टू प्रोड्यूस अ लोकेशन, while we only need 3 satellite to produce a location on earth surface, a fourth satellite is often used to validate the information from the other 3. क्या होता है कि हमें अपनी प्रिसाइज पोजिशन जानने के लिए अगर 3 सैटेलाइट से भी सिग्नल मिल जाता है तो हम अपनी लोकेशन जान तो सकते हैं, लेकिन अगर हमको फोर्थ सैटेलाइट से भी सिग्नल मिल जाता है तो हम अपना डेटा वैलिडेट कर लेते हैं कि हाँ, हमको जो 3 सैटेलाइट ने डेटा सेंड किया है वो डेटा सही सेंड किया है. The fourth satellite also moves us into the third dimension and also allows us to calculate the altitude of the device. Fourth satellite से अगर हमको data मिल जाता है तो हम क्या चीज़ calculate कर सकते हैं, हम जिस device को लेकर के खड़े हैं उसकी altitude भी find out कर सकते हैं कि हम exactly कितनी height पे खड़े होकर के location अपनी find out कर रहे हैं. Okay? GPS works through a technique called trilateration. It is used to calculate location, velocity and elevation. Trilateration collects signal from satellite to output location information. It is often mistaken for triangulation, which is used to measure angles and not distance. So trilateration is used for measuring distance, while triangulation is used for measuring angles. Satellite orbiting the Earth sends signal to be read and interpreted by a GPS device situated on or near the Earth's surface. To calculate location, a GPS device must be able to read the signal from at least 4 satellites. A single satellite broadcasts a microwave signal, which is picked up by a GPS device and used to calculate the distance from the GPS device to the satellite. Since a GPS device only gives the information about the distance from the satellite, a single satellite cannot provide much location information. When a satellite sends a signal, it creates a circle with a radius measured from the GPS device to the satellite. When we add a second satellite, it creates a second circle and the location is narrowed down to one of 2 points where the circle intersect. With a third satellite, the device location can finally be determined as the device is at the intersection of all the 3 circles. We live in a three-dimensional world, which means that each satellite produces a sphere and not a circle. The intersection of these spheres produces 2 points of intersection, so the point nearest Earth is chosen. As the device moves, the radius distance to a satellite changes. When the radius changes, new spheres are produced, giving us a new position. We can use that data combined with the time from the satellite to determine velocity, calculate the distance to our destination. How GPS works? Okay, आप इस स्लाइड में ध्यान से देखो तो देखोगे कि यहाँ पे आपको अर्थ दिख रही है, ठीक है, और अर्थ पे यहाँ पे 3 सैटेलाइट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सैटेलाइट से आपको लोकेशन सिग्नल सेंड हो रहे हैं.
ठीक है, ये लोकेशन सिग्नल यहाँ पे 2D के फॉर्मेट में दिखाए गए हैं। ए सैटेलाइट ने कुछ सिग्नल भेजा, बी ने कुछ भेजा और सी ने कुछ भेजा। सभी ने जो भी सिग्नल भेजा उसकी कुछ रेंज होगी। ए सैटेलाइट ने आपको बताया कि आप इस सर्कल के अंदर हो, ठीक है। बी सैटेलाइट ने बताया कि आप इस सर्कल के अंदर हो, जबकि एक और सैटेलाइट से सिग्नल मिला सी सैटेलाइट से, उसने बताया कि आप इस सर्कल के अंदर हो। अब आप देखोगे कि आपको तीन सैटेलाइट से सिग्नल मिल गया है, ये तीनों सर्कल आपके कहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे ये आपके तीनों सर्कल मर्ज हो रहे हैं। तब आपको अपनी प्रिसाइज लोकेशन मिल गई कि आप यहाँ कहीं पे एग्जैक्टली हो। अगर आपको फोर्थ सैटेलाइट से भी सिग्नल मिल जाता है तो आपका ये जो डेटा है ये वैलिडेट हो जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अभी एग्जिस्ट कर रहे हो। ओके, वॉट इज़ GPS? सो GPS इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, मतलब ये सैटेलाइट के ऊपर ही पूरा पूरा डिपेंडेंट है। बेस्ड ऑन अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट, मतलब एक पूरा गैलेक्सी, जैसे गैलेक्सी में क्या होता है कि प्लानट है, हमारे 8 प्लानट है, उसी तरह बोल रहा है कि एक पूरा कॉन्स्टलेशन बना होना चाहिए 24 सैटेलाइट का, तभी GPS वर्क करता है। डेवलप बाई द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये जो GPS है ये किसने डेवलप किया था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। ऑल 24 सैटेलाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, मैंने बोला कि आपके 6 ऑर्बिट में ये पूरे 24 सैटेलाइट्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। दे आर 4 सैटेलाइट इन ईच पार्ट, हर एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स होते हैं। अ डेफिनेट ऑर्बिट इज डिफाइंड फॉर ईच पार्ट, हर पार्ट के लिए एक ऑर्बिट डिफाइंड है। 4 बेसिक फंक्शन ऑफ GPS, पोजिशन एंड कोऑर्डिनेट पता करना हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट वही है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। फर्स्ट इज द पोजिशन एंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड इज़ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बिटवीन एनी टू वे पॉइंट, आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो वहाँ के बीच में आपको अगर डिस्टेंस पता करना हो या फिर डायरेक्शन पता करना हो कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है तो भी आप GPS की मदद से पता करते हो। ट्रैवल प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप कहाँ तक पहुँच चुके हो। एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट, मतलब किस पर्टिकुलर टाइम पर आप कहाँ थे और अब आने वाले टाइम पर आप कहाँ जाओगे अगर आप उस मैप को फॉलो करते रहोगे तो। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सेगमेंट, there are 3 segments of GPS that work together to provide location information. Okay, there are 3 segments. First is a space segment, that is satellite. Second is control segment, that is ground control. And third is user segment, that is receiver. Now let us study one by one. A space segment, satellites. The satellite circulating the earth transmits signal to user on geographical position and time of day. Okay, satellite send a signal. Control segment, ground control. It is made up of earth-based monitor station, master control station and ground antenna. Control activities include tracking and operating the satellite in space and monitoring transmissions. There are monitoring stations on almost every continent in the world, including North and South America, Africa, Europe, Asia and Australia. These control segments work as an algorithm. They work on the signals sent by the satellite and convert it into easy data that is useful for the users. User segment is the receiver system. GPS receiver and transmitter including item like watches. Watches have GPS GPS receivers, smartphone have GPS and the telematic device that calculate GPS position. Global positioning system, 3 segments are there. Space segment, that is denoted by satellites. Second is control segment, that is master station and monitor station, ground antennas. And the third is user segment, that is receiver. Global positioning system, again there are 3 segments. Space segment is called a constellation of satellite. Control segment, a network of earth-based facilities. 6 ground station located around the world maintaining proper saturation functioning. User segment, all of us with receiver, phone, etc. 3 component again, space segment, control segment and user segment. Global positioning system users, there are 5 main uses of GPS. First is location, determining a position. Second is navigation, getting one location to another. Third, tracking, monitoring object or personal movement. Fourth, mapping, creating maps of the world. Fifth, timing, making it possible to take precise tire measurements. Okay?